आज की तारीख में न मैं सांसद हूँ, न मैं मंत्री हूँ और न मैं पद पार्टी में कोई पदधारक हूँ, लेकिन मेरा भी एक दायित्व है। और दायित्व क्या है आज आप देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है बिहार में, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जितने युवा साथी, जितने हमारे छात्र हैं, उनको एक अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। जितने हमारे किसान हैं, उनकी आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो। जितने भी हमारे और भी साथी हैं, उनका कैसे बिहार में अच्छा भविष्य हो, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो हमारे साथी हैं उनको ठीक से प्रशिक्षण दिया जाए। और अब मैं गया हुआ था कहाँ, तिरुपति। और क्यों मैं गया हुआ था, क्योंकि मैं इस्पात मंत्री और हर एक मंत्रालय में मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री जो वहाँ होता है, एक समिति होती है, कंसल्टेटिव कमेटी होती है और उसकी बैठकें की जाती हैं। हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और मजबूती से करते रहे। क्या भूमिका होगी सर अब जदयू में आपकी? अरे मेरी भूमिका आप जरा समझ लो, मेरी क्या क्या भूमिका रही। 2010 में आप जानते हैं कि मैं राज्यसभा का सदस्य बना, उसी समय मैं पार्टी का महासचिव भी बना, फिर आगे चल करके मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, बीच में मैं पार्टी का महासचिव संगठन भी रहा और पिछले एक वर्षों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश में केंद्रीय मंत्री भी रहा। तो मैंने तो संगठन में, सरकार में सब तरह के जो दायित्व है उसका निर्वहन किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे जो हमारे बिहार में 8,500 के आसपास हमारे पंचायत हैं, 3,500 के पास हमारे जो नगर के वार्ड हैं, सब जगह जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है, आत्मीय लगाव रहा है। क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ और मैं कार्यकर्ता के साथ ही रहता हूँ। और फिर मैं आज की तारीख में न मैं सांसद हूँ, न मैं मंत्री हूँ और न मैं पद पार्टी में कोई पदधारक हूँ, लेकिन मेरा भी एक दायित्व है। और दायित्व क्या है आज आप देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है बिहार में, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जितने युवा साथी, जितने हमारे छात्र हैं, उनको एक अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। जितने हमारे किसान हैं, उनकी आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो। जितने भी हमारे और भी साथी हैं, उनका कैसे बिहार में अच्छा भविष्य हो, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो हमारे साथी हैं उनको ठीक से प्रशिक्षण दिया जाए। और आप जानते हैं कि मेरा अनुभव रहा है इसका, 40 वर्षों का मेरा अनुभव है। जितने भी हमारे साथी हैं, अब उन सबको, जैसे हमारे युवा हैं, उनको मैं उद्यमिता के बारे में प्रशिक्षण दूंगा। जितने हमारे किसान हैं, उनको मैं जो हमारी प्राकृतिक खेती है, कैसे खेती लाभकर हो, कैसे हमारी धरती माता की और भी उपजाऊ है बढ़े, इन सब पर मैं अपना प्रशिक्षण करूंगा। एक फोटो वायरल हुई थी क्या बीजेपी में जाने को लेकर? अच्छा सुनिए, आप लोग जो है मीडिया के लोग हैं जनाब जी सर, और आप लोग क्या, आप जरा समझिए, जो सामान्य कर्टसी है उसको भी आप लोग किस तरह से रख दिए। आप जरा समझिए हुआ क्या था जी, बताइए सर। मैं गया हुआ था कहाँ, तिरुपति। और क्यों मैं गया हुआ था, क्योंकि मैं इस्पात मंत्री और हर एक मंत्रालय में मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री जो वहाँ होता है, एक समिति होती है, कंसल्टेटिव कमेटी होती है और उसकी बैठकें की जाती हैं। हमारा मंत्रालय पहला मंत्रालय भारत सरकार में रहा जो कई